Hello dear students, next day a very warm welcome to all of you in my English video class for 4th August. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols. Stay happy, stay healthy, and most importantly, children, stay safe. We are continuing with lesson number 4, that is My School. So here I am before you with one more video from the same chapter. And today we are going to do think and write. In the previous class, we have done listening exercise. ठीक है, listening exercises हमने किया. आज उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे. ठीक है, सो टर्न टू पेज नंबर 38. ओके, पेज नंबर इज 38. आई होप चिल्ड्रन वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ इट इज क्लियर टू यू. अभी तक जैसे हमने इस लेसन में रीडिंग तो कर लिया, स्पेल वेल वर्ड्स वी हैव डन वर्ड मीनिंग्स, देन वी हैव डन कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, ग्रामर एक्सरसाइज. ग्रामर में इस चैप्टर में मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया, दैट इज वर्ड्स. दिस वर्ड प्रोनाउन इज नॉट यूज इन योर बुक. आपकी बुक में ये जो वर्ड है प्रोनाउन, ये वर्ड यूज नहीं किया है. बट द वर्ड्स अबाउट विच वी हैव डिस्कस्ड, जिन वर्ड्स के बारे में हमने इस लेसन में डिस्कस किया है इन ग्रामर एक्सरसाइज, दोज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस. ठीक है, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कहा जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाई मैंने ये आपको बताया. ऑल्दो दिस वर्ड प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड इन योर बुक, आपकी बुक में प्रोनाउन वर्ड यूज नहीं किया है. ओके, देन वी हैव डन इन वर्ड बिल्डिंग वी हैव डन वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स, दैट मीन्स सिनोनिम्स. इसमें हमने वर्ड बिल्डिंग में हमने सिनोनिम्स किया, मतलब वर्ड्स जिनकी जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि जिनकी सेम मीनिंग होती है, जैसे एग्जांपल इज स्मॉल एंड लिटिल, लार्ज, बिग, ब्यूटीफुल, प्रिटी. सो दीज आर सम वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर नोन एज सिनोनिम्स. ठीक है, इन वर्ड्स को हम कहते हैं सिनोनिम्स. ये हमने किया था. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. एंड उसके बाद फिर हमने फन विद द साउंड ऑफ ओ किया इन लिसनिंग एक्सरसाइज. सो द साउंड ऑफ ओ एट सम प्लेसेस इन सम वर्ड्स, द साउंड ऑफ ओ इज ओ एंड द साउंड ऑफ ओ इज ओ इन सम वर्ड्स. जैसे हॉप है, मॉप है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, टॉप. इन दीज वर्ड्स द साउंड ऑफ ओ इज ओ, टी ओ पी टॉप, एच ओ पी हॉप, एम ओ पी मॉप, एल ओ टी लॉट, और वी से थॉट, टी एच ए यू जी एच टी थॉट. ओके, और वेन वी से सॉसर, एस ए यू सी ई आर. सो वी हैव थ्री डिफरेंट सेट ऑफ लेटर्स, ओ, ए यू एंड ओ यू. ठीक है, कुछ वर्ड्स में सिर्फ ओ है, इन सम वर्ड्स वी हैव ए यू एंड इन सम वर्ड्स वी हैव ओ यू. But the sound is same. The sound of O is same in all these words. It is O. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ words किए जिसमें sound of O is O, bone. ठीक है, B O N E bone, C O N E cone. यहाँ पे क्या है, O का sound जो है that is O only. ठीक है, B O, O का sound and O W. यहाँ भी ओ डब्ल्यू का साउंड इज ओ ओनली, लाइक जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो. ठीक है, एस ओ डब्ल्यू सो, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो. सो हियर द साउंड इज ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू का भी जो साउंड है दैट इज ओ ओनली, बोन, स्लो. ठीक है, सो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस. इन सम वर्ड्स द साउंड ऑफ ओ इज ओ एंड इन सम वर्ड्स द साउंड ऑफ ओ इज ओ. ओके, Now children, turn to page number 38. Page number 38 पे turn करो. Now again here also इस page पे भी हम sound देखेंगे.
Now listen to the sound of OW. Now this is think and write. THINK. Think and WRITE. Write. This is page number 3838. Okay. Now listen to the sound of OW as in DOWN. अभी इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें भी द लेटर्स वर ओ डब्ल्यू ओनली. ठीक है, ओ डब्ल्यू लेटर्स थे, जी एल ओ डब्ल्यू. ठीक है, ये जैसे हम लोग कुछ वर्ड्स लिखे थे जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो, एस ओ डब्ल्यू सो. ठीक है, एम ओ डब्ल्यू मो, जी आर ओ डब्ल्यू. In all these words we have OW and the sound is O. Glow, slow, flow, grow, mow, so. The sound is O. Okay? Now let us see some words. They also have OW. But unka jo sound hai, that is OW. Okay? Jaise aap dekhoge, D-O-W-N. Down. D-O-W-N. This is down. Here also this has OW. Down. G-O-W-N. Gown. F-R-O-W-N. Frown. ठीक है, so here also we have OW. यहां भी OW है but the sound is O. Here also we have OW but the sound is OW. How do we say it? Down. Gown. Frown. ये क्या साउंड आ रहा है? आउ. ठीक है, डाउन, फ्राउन, गाउन, दिस इज द साउंड ऑफ आउ. ठीक है, इसमें एंड ओ यू, जैसे एंड वी से एल ओ यू डी, लाउड. ठीक है, जैसे लाउड, आर ओ यू एन डी, राउंड, पी ओ यू एन डी, पाउंड, एस एच ओ यू टी, शाउट, M O U T H mouth. Here we have O U O U O U O U and O U. But iska bhi sound kya hai? The sound is ow. How do we say it? Down, gown, frown, loud, round, pound, shout, mouth. All these words have. Isme iska sabka sound kya hai? The sound is ow. Hai na? Sound kaun sa aa raha hai? Ow. This is or भी exactly मैं नहीं बोलूंगी, or नहीं है, this is not, we do not say dawn, we say down, ow. ठीक है, D A W N, dawn is a different word. This is D O W N, down. क्या sound आ रहा है? Ow. Cow, जैसे C O W, cow. C O W, cow. Cow नहीं बोलते हैं ना, we do not say cow, we say cow. Ow. Down. Gown, pound, round, loud. So here you will see that OW and OU. Some words have OW, some words have OU, but they sound similar. Sound dono ka similar hai. Okay? So listen to the sound of OW as in down and the sound of OU as in loud. Don't they sound similar? Hai na? Aap ye dekhoge gown. A D O O W N, down, and L O U D, loud. Both the words have the sound of ow. Down and loud. Okay? ये तो मैंने example के लिए कुछ और words लिखे. तो see children, here also we have O W, but the sound is O. Glow, flow. Here also we have O W, but the sound is ow. Down. Don't नहीं बोलते हैं ना, down. Gown, frown, cow. Mouth, ठीक है, round, pound, shout, loud, all these words have similar sound, ठीक है ना. तो remember children, all words having the letters OU and OW need not have the same sound as the words above. अभी ये भी जरूरी नहीं है कि जितने words में OW आता है या OU आता है they have the same sound. एक तो हमने difference यहीं पर देख लिया OW and here also OW but the sound is O and the sound is OW.
ठीक है। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने भी लेटर्स हैं अगर उनमें ओ डब्ल्यू या ओ यू आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे ऑल हैव द सेम साउंड एज द वर्ड अबव। मतलब यहाँ पे हमने डाउन एंड लाउड वर्ड का जो साउंड है इसकी बात की, तो जितने वर्ड्स में ओ डब्ल्यू या ओ यू आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका साउंड जो है इन वर्ड्स की तरह ही हो। अभी ये तो हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे कि हियर ऑल्सो वी हैव ओ डब्ल्यू एंड हियर ऑल्सो वी हैव ओ डब्ल्यू, ठीक है, बट द साउंड इज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ओ ग्रो मो सो ग्लो एंड डाउन, ये हमने देखा डिफरेंस। नाउ एल ओ यू डी, यहाँ पे ओ यू है लाउड राउंड पाउंड शाउट माउथ, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक वर्ड जिसमें ओ यू आता है दे विल हैव द सेम साउंड, ठीक है। अभी जैसे हमने बोला टी ओ यू सी एच टच, वी हैव ओ यू, यहाँ पे क्या साउंड है टच, यहाँ पे ओ भी नहीं है ओ भी नहीं है, वी हैव ओ यू बट द साउंड इज टच, इट इज नॉट टोच और टाउच, इट इज टच, ठीक है, टच एंड ओ यू लाउड। सो ऑल द वर्ड्स विच हैव लेटर्स ओ डब्ल्यू और ओ यू नीड नॉट हैव द सेम साउंड एज दीज वर्ड्स, ठीक है। ये आई होप सबको क्लियर हो गया। ये मैंने पहले भी बोला था, बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेटर्स का साउंड हर एक वर्ड में सेम होगा। जैसे इसके पहले वी हैव डन फन विद द साउंड ऑफ ई, फन विद द साउंड ऑफ आई, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है, एंड हियर ऑल्सो वी कैन से दिस, ओके, कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ओ डब्ल्यू जहाँ भी होगा ऑल द वर्ड्स विल हैव सेम साउंड, नो, एंड जितने भी वर्ड्स हैं अगर ओ यू होगा तो सबका सेम साउंड होगा, नो, साउंड अलग अलग होगा, ओके। नाउ लेट अस प्ले एन इंटरेस्टिंग गेम। व्हाट इज द गेम, एक इंटरेस्टिंग सा गेम है, व्हाट इज द गेम, द गेम इज रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड सर्कल ओनली दोज वर्ड्स विच हैव द ओ यू और ओ डब्ल्यू साउंड एज इन वर्ड्स लाइक लाउड और डाउन, ओके। नाउ सम वर्ड्स आर गिवन इन दिस बॉक्स, यू हैव टू रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, अलाउड मतलब जोर से, तो ये वर्ड्स आपको थोड़े जोर से पढ़ना है और जोर से पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको सिर्फ उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिनका की साउंड जिनमें की ओ यू या ओ डब्ल्यू है एंड जिनका साउंड लाउड या डाउन की तरह है। मतलब ऑल द वर्ड्स विथ ओ यू एंड ओ डब्ल्यू हैविंग द साउंड ऑफ आउ, ठीक है, हमें सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सर्कल करना है जिनका साउंड या तो लाउड की तरह है, इफ दे हैव ओ यू तो देयर साउंड इज लाइक लाउड एंड इफ दे हैव ओ डब्ल्यू देन देयर साउंड इज लाइक डाउन। क्लियर, समझ में आ गया। दो ऑलरेडी किया हुआ है एग्जाम्पल, तो सारे हमें वर्ड्स में से वी हैव टू इनसर्कल ओनली दोज वर्ड्स जिसमें अगर ओ डब्ल्यू है तो उसका साउंड है डाउन की तरह होना चाहिए एंड इफ दे हैव ओ यू देन देयर साउंड शुड बी लाइक लाउड। क्लियर, सो अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ एंड लेट अस प्ले दिस गेम। यू टेल मी द वर्ड्स, आई विल इनसर्कल देम, ठीक है। नाउ टू एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू, मैं ये तो नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, यहाँ पे हमें क्या करना है ये सबको समझ में आ गया है और ये आप अपनी बुक में मेरे साथ साथ करते चलोगे। पेज नंबर इज 3838। सो कीप ऑन एनसर्कलिंग द वर्ड अलॉन्ग विथ मी ओनली, ठीक है। नाउ द वर्ड्स, लेट मी राइट द वर्ड्स फर्स्ट। द वर्ड से आर एफ आर ओ डब्ल्यू एन फ्राउन, सी एल ओ यू डी क्लाउड, बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो, बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, टी आर ओ यू टी ट्राउट, बी ओ यू जी एच टी बॉट, सी ओ डब्ल्यू काउ, ए बी ओ यू टी अबाउट, एस एच ओ डब्ल्यू शो, देन एस ओ यू एन डी साउंड,
touch, touch. crown, crown. flow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 words are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, now let us encircle the words. Let me use another color. Encircle करने के लिए. Now, we have two words are already encircled. Trout, T-R-O-U-T and C-R-O-W-N. Crown. ठीक है? Trout is a kind of fish. So, T-R, it has O-U, trout and it has O-W, crown. So, we have to encircle the words which have this sound only. जिनमें OU वाला साउंड है हमको सिर्फ उन वर्ड्स को ही इनसर्कल करना है. ओके, नाउ क्लाउड, CLOUD, OU इज देयर एंड द साउंड इज आउ. क्लाउड से अलोंग विथ मी, मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलोगे क्लाउड. क्लाउड नहीं बोलते हैं ना, वी से क्लाउड. इट इज नॉट क्लाउड भी नहीं बोलते, क्लाउड भी नहीं, क्लाउड. ठीक है, आउ जो साउंड है इट इज वेरी थोड़ा सॉफ्ट सा साउंड है. आउ क्लाउड नहीं बोलना है, क्लाउड. ओके, क्लाउड. सो क्लाउड द साउंड इज ओ यू है एंड द साउंड इज औ. सो वी विल एनसर्कल दिस वर्ड क्लाउड. ओके, वी विल रीड ईच वर्ड अलाउड. सारे वर्ड्स हम जोर से बोलेंगे एंड देन वी विल सी इट इस वर्ड का साउंड कैसा आ रहा है. क्लाउड. नाउ फ्राउन, हियर वी हैव ओ डब्ल्यू. ठीक है, ओ डब्ल्यू है and the sound is frown. Frown, again we do not say frown, we say frown. The frown जो छोटा वाला ऊ होता है उसका साउंड है, इट इज नॉट बड़ा ऊ का साउंड नहीं, frown नहीं है, इट इज frown. क्लाउड. ठीक है, आउ तो उसमें जो छोटा छोटा साउंड है आउ, क्लाउड, frown. सो दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू encircle frown. Now this word B-O-U-G-H-T, this is bought or bought. Kya hoga? B-O-U-G-H-T is bought. Bought is the past form of buy. Buy means khareedna. I want to buy a bicycle for myself. My parents bought a bicycle. Mujhe ek bicycle khareedne ka man hai. Mere parents ne mere liye ek bicycle khareed di. My parents bought a bicycle for me. So bought, B-O-U-G-H-T, bought is the past tense of buy. Tense मैंने बताया था कि tense का मतलब होता है time. And जो action words होते हैं, जो words हमें action बताते हैं, they tell us वो किस तरह से वो words use हो रहे हैं, उससे we can make out the time also. In the sense अगर buy word है, अगर buy अपने main form में use हुआ है, so that means we know कि अभी की बात हो रही, present tense. मतलब जो अभी जो टाइम चल रहा है. इफ द वर्ड बॉट इज यूज्ड, तो बॉट मतलब ऑलरेडी वो हो चुका है, मतलब वो चीज हमने खरीद ली है. ठीक है, आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर माय बर्थडे. सो बॉट मतलब मैंने खरीदा. इफ आई से आई बाय, मतलब अभी हम प्रेजेंट में करेंगे, तो व्हेन द एक्शन वर्ड इज यूज्ड इन जिस फॉर्म में यूज होता है वी कैन मेक आउट द टाइम ऑल्सो. सो बी ओ यू जी एच टी बॉट इज द पास्ट फॉर्म, मतलब ऑलरेडी खरीदा जा चुका है. सो बॉट हियर इट इज नॉट बाउट, सो इसको हम एंसर्कल नहीं करेंगे. बाउट इज अनदर वर्ड, बी ओ यू टी. ठीक है, वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है बट मैं अलग से उसको लिख रही हूं. बी ओ यू टी, बाउट. बाउट इज ऑल्सो अनदर वर्ड, दिस इज बाउट. यहाँ पे ओ यू है एंड बाउट का मतलब होता है जैसे बॉक्सिंग होती है. ठीक है, बॉक्सिंग का जैसे जो एक राउंड होता है तो बोलते हैं फर्स्ट बाउट. ठीक है, सो बी ओ यू टी, दिस इज अनदर वर्ड. इसमें ओ यू का जो साउंड है दैट इज आउट, बाउट, बट हियर इट इज बॉट. ठीक है, ब्लो, दिस इज बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो. साउंड इज ओ, ब्लो, ग्रो, मो, द साउंड इज ओ. इसको भी सर्कल नहीं करेंगे. देन शो, एस एच ओ डब्ल्यू, शो. अगेन क्या है, साउंड कौन सा है, द साउंड इज ओ डब्ल्यू. ठीक है, द साउंड इज ओ डब्ल्यू, शो. तो इसको भी हम नहीं यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस ऑल्सो, एस एच ओ डब्ल्यू, शो.
BROWN ब्राउन. अगेन दिस इज नॉट ब्राउन, ब्राउन नहीं बोलते, वी से ब्राउन. अगेन द साउंड इज छोटा वाला, स्मॉल साउंड, ब्राउन, ब्राउन एंड ब्राउन. आप जब बोलोगे तो अपने लिप्स का मूवमेंट भी देखो, ब्राउन, ब्राउन एंड ब्राउन, ब्राउन. लिप्स जिसको कहते हैं थोड़ा सा पाउट होते हैं, ब्राउन. बट द करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे हम बोलते हैं, कलर ब्राउन, ब्राउन. वी डू नॉट से ब्राउन, वी से ब्राउन. ठीक है, तो थोड़ा हमारा मुंह खुलता है, ब्राउन. सो इट इज द साउंड ऑफ स्मॉल, स्मॉल साउंड है ब्राउन. सो ब्राउन हियर ऑल्सो द साउंड इज ओ यू, सो वी विल एनसर्कल दिस, ब्राउन. देन काउ, बॉट तो हमने बात कर लिया था, काउ. अगेन इट इज नॉट काउ. जब आप जैसे मैंने बोला ना आउ बोलोगे, आउ, तो जैसे हमारे जैसे पाउट करते ना, आउ, काउ. बट इट इज नॉट काउ, इट इज काउ, काउ. अगेन दैट स्मॉल साउंड, काउ. नॉट एग्जैक्टली ऊ भी नहीं, काउ. ठीक है, ऊ एंड समवेयर बिटवीन ऊ एंड ओ. काउ भी नहीं है, काओ भी नहीं है, इट इज काउ, ऊ एंड ओ के बीच है. सो काउ, सो इसको भी हम सर्कल करेंगे, काउ. देन अबाउट, अगेन इट इज नॉट अबाउट, इट इज अबाउट. ठीक है, अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वी आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स विथ ओ यू और ओ डब्ल्यू. मतलब हम अभी ओ यू या ओ डब्ल्यू जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स. सो अगेन द साउंड इज अव, अबाउट. सो वी विल एनसर्कल दिस ऑल्सो, अबाउट. Then touch, ou hai, ou is there, but the sound is touch. We do not say touch, we say touch. ठीक है ना, touch. Ch is ch, touch. इसको हम encircle नहीं करेंगे. Flow, again the sound is o, f l o w, flow. The sound is o. इसको भी हम circle नहीं करेंगे. S o u n d, sound. It is not sound, it is sound. Again not sound, sound नहीं है, it is sound. O and U के बीच का sound है, sound. ठीक है, so इसको भी हम circle करेंगे, it has OU and the sound is like loud, down, sound. Show भी नहीं है, blow भी नहीं है. So the words cloud, frown, brown, trout, cow, about, crown, sound. These words have the same sound as down and loud. Okay? So children, मैं थोड़ा साइड में आ रही हूँ, आप भी अपनी बुक में सर्कल करोगे. बट एज आई टोल्ड यू, यू कैन, जो बुक की जो एक्सरसाइजेज है, स्पेशली दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, यू कैन डू अलॉन्ग विथ मी. आप मेरे साथ साथ कर सकते हो. ओके, मैं भी साइड में आ जा रही हूँ. इफ एनी बडी हैज मिस्ड आउट, सो यू कैन डू इट नाउ. इसको आप सर्कल कर सकते हो. ठीक है ना, पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ द हाईलाइटेड लेटर्स इन ऑल दीज वर्ड्स. यू विल सी दैट ओ यू और ओ डब्ल्यू, जो बीच में ओ यू आ रहा है या ओ डब्ल्यू आ रहा है, ऑल दीज लेटर्स आर हाईलाइटेड. हाईलाइटेड का मतलब है कि ये जितने लेटर्स है सारे वर्ड में, ये लेटर्स जो है दे आर रिटन विथ डिफरेंट कलर. सब में आप देखोगे कि ये वर्ड्स जो है वो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं. ओ डब्ल्यू, यह ओ डब्ल्यू, ओ यू, ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ यू. वेदर साउंड, जो भी साउंड है, जितने भी वर्ड में बीच में ओ यू एंड ओ डब्ल्यू है, दे आर हाईलाइटेड, मीन्स दे आर रिटन विथ अ डिफरेंट कलर. आप देखोगे सारे ब्लू कलर से लिखे हैं. ठीक है, सो हमें कौन से वर्ड्स को सर्कल करना था जिनका साउंड लाउड या डाउन की तरह है. ठीक है, पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ द हाईलाइटेड लेटर्स. दे मस्ट हैव द सेम साउंड एज ओ यू इन लाउड एंड ओ डब्ल्यू इन डाउन. मतलब हमें सिर्फ उन्हीं लेटर्स को, उन्हीं वर्ड्स को एनसर्कल करना था, करना है, जिनका जो साउंड है, अगर ओ यू है तो इट इज लाइक लाउड एंड ओ डब्ल्यू लाइक डाउन. सो फ्राउन, ब्राउन, क्राउन, ओके, एंड देन क्लाउड, ट्राउट, अबाउट, साउंड. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज एनसर्कल.
Now, move to the next exercise, that is talk time. ठीक है? Now, you have to read these words aloud. ये words आप जब जोर जोर से पढ़ोगे, then only you will understand the sound. आप जब सारे words को आप जोर से पढ़ के जोर से बोलोगे, तभी आपको difference समझ में आएगा. ठीक है? कि जहां पे ये ओ डब्ल्यू, यहाँ पे साउंड इज फ्राउन, एंड ओ डब्ल्यू द साउंड इज शो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो रीड ऑल द वर्ड्स अलाउड, मतलब सारे वर्ड्स को जोर से पढ़ोगे. ओके, नाउ कम टू द टॉक टाइम. आज पूरा कंप्लीट इसको नहीं करूंगी, बट आई विल स्टार्ट दिस टूडे. एंड टॉक टाइम, एज आई टोल्ड यू दैट टॉक टाइम इज टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल. आप जो किसी से बातचीत करते हो, टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल. इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में मैंने बताया था कि देर आर फोर स्किल्स. सबसे पहले लिसनिंग आता है, दैट मीन्स फर्स्ट यू मस्ट लर्न हाउ टू लिसन, मतलब सुनने के बाद ही फिर आप आगे बोल सकते हो ना. तो लिसनिंग, स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग. जब बोल पाओगे वर्ड्स का, जब आप प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे, वर्ड्स को बोल पाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीड, तभी आप उसको रीड कर पाओगे. तो टॉक टाइम, द पर्पज ऑफ टॉक टाइम इज टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, कॉन्वर्सेशन, जो एक दूसरे से बातचीत करते हो. ठीक है? या तो बातचीत करते हो, और यू पोज अ क्वेश्चन, किसी से आप क्वेश्चन पूछते हो, यू आस्क अ क्वेश्चन एंड देन द अदर चाइल्ड गिव्स यू द आंसर, और समवन एल्स आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू गिव एन आंसर. ठीक है? सो टॉक टाइम का पर्पज है टू मेक, टू एनेबल यू टू फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करके बोल सको. ओके? सो एनैक्ट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन मीनू एंड अमन. दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन मीनू एंड अमन. नाउ पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. ठीक है? अगेन इन द सेंटेंसेस यू विल सी दैट सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड. हाईलाइट हम क्यों करते हैं? हाईलाइट का मतलब है इधर दे आर अंडरलाइंड इन आवर बुक. हाईलाइटेड मीन्स दे आर प्रिंटेड विद डिफरेंट कलर. हाईलाइटेड का मतलब है कि उनको दूसरे कलर से लिखा हुआ है. व्हाई दे आर हाईलाइटेड? दे आर हाईलाइटेड बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स इन सम मैनर. जैसे अभी हमने इस लेसन में पढ़ा कि जहाँ भी कहीं पे भी ही है, शी है, हिज, हर, इट, दे, वी, आई, दीज वर्ड्स वर हाईलाइटेड. व्हाई वर दीज वर्ड्स हाईलाइटेड? बिकॉज दीज वर्ड्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स. अभी मैं इंग्लिश में आपको आगे बताऊंगी, देर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताया, दैट इज नाउन. फिर मैंने आपको वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, उन वर्ड्स के बारे में बताया, दैट इज प्रोनाउन. मैंने एक्शन वर्ड्स के बारे में बताया, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बताया. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज पार्ट्स, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे एक सेंटेंस हमने जब बोला, तो उसमें जो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, वो अलग अलग वर्ड अलग अलग मीनिंग हमें बताता है. जैसे कुछ मम्मी कोई चीज़ सब्जी बनाती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती हैं ना, एक कोई चीज़ तो नहीं होती है, उसमें अलग अलग स्पाइसेस पड़ते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, एंड सब चीज़ मिलाने के बाद सब्जी प्रिपेयर होती है. तो सिमिलरली सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एंड वो सारे वर्ड्स मिल करके ही दे फ्रेम अ सेंटेंस. ठीक है? सेंटेंस भी हमने पढ़ा है, रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव learned about sentences also. कि sentences किसे कहते हैं? Sentences are arrangement of words in a meaningful manner. Sentences में क्या है, जो words होते हैं वो एक meaningful manner में arranged होते हैं. Okay? So in these sentences also some words are highlighted. कुछ words जो है वो highlighted है. ठीक है? Highlighted का मतलब है कि वो किसी दूसरे color से लिखे हुए हैं. Now what you have to do is these words are different from other words, that is why they are highlighted. So in the next class we will see what is the conversation, dono ke beech mein kya conversation chal raha hai. Theek hai? So these are just some of the sentences. You can frame more questions on your own. Aap aur questions apne se frame karke uske baad you can just enact this kind of conversation with any of your friend. आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम करके
यू कैन प्ले दिस गेम कि एक ने क्वेश्चन पूछे एंड द अदर ट्राई रिस्पॉन्स टर्न बाई टर्न. यू कैन डू इट. एक बार आप क्वेश्चन पूछो, योर फ्रेंड विल रिस्पॉन्ड एंड देन योर फ्रेंड विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू रिस्पॉन्ड. सो दिस इज इन दिस मैनर यू विल लर्न हाउ टू फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस एंड योर स्पीकिंग स्किल विल ऑल्सो इम्प्रूव. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. टूडे आई स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.